आगरा का सबसे पुराना कॉलेज आगरा कॉलेज, जिसे 200 साल पूरे हो गए हैं। इसी कॉलेज के प्रचार्य पद को लेकर घमासान चल रहा है। इसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कल ही सी के गौतम जी ने जो कार्यभार प्रचार रहे हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर फिर एक बार जो अनुराग सुक्री जी थे उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो उन्होंने कई अनियमितताएं की और कॉलेज रहते हुए कई अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्हीं चर्चाओं को लेकर क्या सच्चाई है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग सुक्री की जान को खतरा है और उन्हें किसी कोई भी उसकी हत्या कर सकता है। तो सी के गौतम साहब का ये कहना था कि उनकी कौन हत्या करेगा। तो इन्हीं सारी चर्चाओं के लिए हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अनुराग सुक्री जी। जी अनुराग सुक्री जी, स्वागत है आपका। क्या विवाद है पूरा, क्या प्रचार पद को लेकर किस तरह घमासान है, कौन क्यों हत्याना चाह रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचने का अवसर लग रहा है। वस्तुतः मैंने 23 अक्टूबर 2021 में इस महाविद्यालय के प्राचार्य पद को मैंने ग्रहण किया और तब से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर आती रहीं। यद्यपि अभी तक हमने सबको दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश की और महाविद्यालय की गरिमा को अपने पुराने अंदाज में फिर से वापस लौटाने की कोशिश की। यहाँ कुछ क्षेत्रीय लोगों ने, जो यहाँ अध्यापक भी हैं, उन्होंने कुछ क्षेत्रीय लोगों का संपर्क प्राप्त करके, उनके साथ एक साजिश करके, हमारे विरुद्ध कई बार कई पत्रों में अलग अलग नामों से शिकायतें की और उन सारी शिकायतों पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा एक ही दिन बैठ करके जांच के आदेश भी दिए और उस पर अब तक 4 बार जांच हो चुकी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले 20 दिसंबर 2022 में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन तथाकथित बिंदुओं पर जांच हुई और उस जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। फिर उसके बाद बहुत जल्दी ही पुनः उसी बिंदुओं पर फिर से जांच कराई गई। वह जांच प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कासगंज के द्वारा की गई थी और उस जांच में भी किसी तरह की कोई अनियमितता का कोई साक्ष्य, कोई पुष्टि नहीं मिली। फिर पुनः पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के एक जांच समिति बनाई गई, जिसे 2 बार बदला भी गया और उस जांच समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर केसी वर्मा जी ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन रहे, उसमें एक आगरा से ही संबंधित पूर्व प्राचार्य आरबीएस कॉलेज के डॉक्टर वी के अग्रवाल जी को जानबूझ कर रखा गया, क्योंकि उनका संबंध शिकायतकर्ताओं से घनिष्ठ है और उन्होंने, इस पूरी 4 सदस्यीय समिति ने 17 जून 2023 में महाविद्यालय में आकर के 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक सारे अभिलेखों का अवलोकन किया, पूरी जांच की और जिसमें पूरा का पूरा सहयोग हमारे द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा उनको किया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कतिपय ऐसे नए बिंदु गढ़े जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा कभी भी उकेरे ही नहीं गए थे और इसके साथ ही साथ हमें फंसाने के लिए हमारे द्वारा दिए गए अभिलेखों को मूल रूप से न स्वीकार करके, गायब करके, मनमाना हमारा वक्तव्य लिख करके और फिर हमें कुछ आरोपों से आरोपित करने की कोशिश की गई। हमारे द्वारा प्रबल प्रतिरोध किया गया, शासन को और मुख्यमंत्री जी को, और कई जगहों पर हमने पत्र लिखा और उस पत्र का संज्ञान लेते हुए शासन ने हमारा स्पष्टीकरण प्राप्त करके अपने मंतव्य के साथ अवगत कराने के लिए आगरा मंडल के आयुक्त, जो कि हमारे आगरा कॉलेज के अध्यक्ष भी पदेन होते हैं, उन्हें निर्देशित किया गया। उन्होंने पुनः विधिवत जांच करके कम से कम 20 दिन सारे अभिलेखों की जांच करके और फिर 14 दिसंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपना मंतव्य प्रस्तुत किया, जिसमें पुनः किसी भी बिंदु पर किसी भी साक्ष्य, किसी भी शिकायत की पुष्टि का कोई भी अवसर नहीं था। इतना सब होने के बावजूद भी आयुक्त महोदया की उस जांच को भी दरकिनार करते हुए
दिनांक 10 फरवरी 2024 को शासन ने एक पत्र निर्गत किया जिसमें उन्होंने हमें सस्पेंड करते हुए, लंबित करते हुए और डॉक्टर चित्र कुमार गौतम को प्राचार्य पद दे दिया। लेकिन बिंदुओं पर अब हाईकोर्ट गए, क्या लग रहा था आपको कि आपके साथ गलत हो रहा है? हाँ, मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ आपको कि हमारे ऊपर वित्तीय अनियमितता की बात की जाती है, हमारे शैक्षणिक अभिलेखों के गलत होने की बात की जाती है, हमारे प्राचार्य पद पर अर्हता न होने की बात की जाती है, शैक्षणिक और शिक्षणेतर गतिविधियों को ठीक से न निभा पाने की बात की जाती है, और भी तमाम तरह के आरोप जो किसी पर भी कभी भी मौखिक रूप से लगाए जा सकते हैं, ऐसे आरोपों की बात की जाती है। एक एक करके मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता आज तक किसी भी जांच में, यहां तक कि उस तीसरी जांच में भी जिसे डॉक्टर केसी वर्मा के निर्देशन में 4 सदस्यीय समिति ने किया था, उसमें भी किसी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि नहीं की गई है। केवल और केवल यह कहा गया कि प्राचार्य द्वारा अभिलेख नहीं दिखाए गए, जबकि मैंने संपूर्ण जाँच के दौरान की जो CCTV कैमरे की वीडियो फुटेज और उसके फोटोज थे, उन्हें भी हमने समस्त लोगों को, संबंधित लोगों को प्रस्तुत किया है। कल कार्यवाहक जो प्रिंसिपल हैं CK गौतम जी, उन्होंने प्रेस वार्ता कर फिर आप पे एक आरोप लगाया है कि आप जान माल का खतरा बताकर कॉलेज के स्टाफ को बदनाम कर रहे हैं और जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, उनकी भी कहीं ना कहीं अवमानना कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं कि दिनांक 13 फरवरी 2024 को मुझे निलंबित किया गया शाम को 6 बजे, और मैं जब वहां से घर आया अपना निलंबन का पत्र लेकर के, सहर्ष स्वीकार करके, हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश था तो हमने स्वीकार किया, और हम जब यहां पर आते हैं तो हमारे यहां से तत्काल सारे के सारे कर्मचारियों को हटाया जाता है। तत्कालिक आदेश से हमारे पूरे परिसर को असुरक्षित छोड़ा जाता है और हमारी बिजली कटाने के लिए लोगों को भेजा जाता है। इसकी तुरंत सूचना मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब को और RHEO साहब को दी, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी हम लोगों के रहते नहीं होने पाएगा। तो उन्होंने संभवतः CK गौतम साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप किसी तरह की अभद्रता नहीं करेंगे, तो वो रुक गए। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन लगातार ये हमारे आवास की बिजली काटने के लिए लोगों को भेजते रहे, यद्यपि वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन दुर्भावनावश उन्होंने हमारे आवास की नाम पट्टिका को हटा करके अपना नाम पट्टिका स्थापित कर ली है, जिसे यदि आपने आते समय गौर न किया हो तो जाते समय अवश्य गौर कर लीजिएगा। क्या आपको ये लगता है कि यह उचित था? दूसरी चीज, तमाम शिक्षकों से, हमारे समस्त शिक्षकों से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और हमने शिक्षकों के साथ हमेशा एक शिक्षक के रूप में, एक मित्र के रूप में हमेशा व्यवहार किया है, और उसका परिणाम ये रहा है कि हमें आज भी हमारे शिक्षक उसी तरह से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारे शिक्षक आकर के बताते हैं कि किस तरीके से हमें वहाँ पर स्टाफ रूम में बैठ करके, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ करके अभद्रता की बातें की जाती हैं, और हर एक बात में माननीय मंत्री जी का नाम लिया जाता है कि मंत्री जी का यह कहना है, मंत्री जी का यह निर्देश है, मंत्री जी का यह मंतव्य है, उनकी इच्छा है कि यह व्यक्ति हमें आगरे में न दिखे, यह व्यक्ति अब यहाँ प्राचार्य नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से बातें हमें सुनाई पड़ती। तो हम काफ़ी दूर से, मेरा घर यहाँ से 500 किलोमीटर है, हम काफ़ी दूर से यहाँ सपरिवार अपने बाल बच्चों के साथ, मेरे पिताजी जिनका अभी कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे साथ यहाँ आते हैं, तो हम और हमारा परिवार हम असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके लिए हमने पत्र लिखा, अपने अध्यक्ष को लिखा और पुलिस आयुक्त को लिखा, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराया। सर, जिस तरह से CK गौतम जी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने साफ कहा है कि आपके रहते हुए कॉलेज में कई अनियमितताएँ, कई वित्तीय अनियमितताएँ की गई, जैसे से कहें कि स्टूडेंट से फीस लेना 540 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट से लेना, कुछ सामान कॉलेज के लिए कंप्यूटर, अलमारियाँ आदि खरीदना, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं घालमाल किया और करोड़ों रुपये का नुकसान आपने कॉलेज को किया है। देखिए, वो जिन वित्तीय अनियमितताओं की बात करते हैं, वो एक की भी पुष्टि अगर कर दें तो बात ज़्यादा उचित होगी, तब हम दोषी सिद्ध होंगे। हमने किसी तरह का कोई घालमेल नहीं किया है, और
छात्रों से उतने ही शुल्क वसूले गए हैं जितना कि प्रबंध समिति के द्वारा निर्धारित है, शासन के द्वारा निर्धारित है। उसके अतिरिक्त एक रुपये का भी किसी भी छात्र पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। जहां तक वित्तीय अनियमितताओं का प्रश्न उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि 13 फरवरी 2024 से कंटिन्यूसली वो कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कौन से अभिलेख हमें दिखाए जिसमें वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होती है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करें। हमने चार समितियों के सामने जो जो उन्होंने मांगा हर एक चीज़ का साक्ष्य सहित उत्तर दिया। आपकी योग्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आपकी जो डिग्रियाँ हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, वो कहीं ना कहीं अयोग्यता को साबित कर रहे हैं, और अब तक का सबसे अयोग्य प्रिंसिपल आपको कल उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं समझता हूँ कि समाज के सामने इस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने 1990 में हाई स्कूल, 92 में इंटर, दोनों आपको बता दूं कि बड़े कठिन समय थे। 1990 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, जब बड़ा ही 14% रिजल्ट आया था पूरे उत्तर प्रदेश में। आपको रोकूंगा, लेकिन 12 साल का हवाला दिया उन्होंने कि 12 साल में उन्होंने हाई स्कूल दिखाई है, कौन व्यक्ति कौन बच्चा करता है, क्या ये अयोग्यता में शामिल नहीं है? क्या इसे अयोग्यता आप मानते हैं? अगर किसी व्यक्ति की कम उम्र में अच्छी डिग्री हो या अच्छी पढ़ाई हो तो क्या इसे आप अयोग्यता समझते हैं? हाँ, आपने तो कई ऐसे बच्चों को भी, टैलेंटेड बच्चों को भी देखा होगा, मैं तो उस कोटि का नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, कौटिल्य का नाम आया था, बड़ा फेमस हुआ था, उस बच्चे के पास बड़ा लाजवाब इंटेलिजेंसिया था, तो क्या ये अयोग्यता है उसकी? तो ये अच्छा, हमने हाई स्कूल में अपनी तिथि छुपाई तो है नहीं, जो लिखी हुई है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में वही सब जगह मान्य भी होती है। तो क्या उस समय के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस चीज़ को नहीं देखा? क्या उसने इस पर आपत्ति नहीं की? ये तो उसका प्रश्न है, ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं हो सकता कि उसने कितनी उम्र में क्या कर लिया। तो इस पर मैं क्या कहूँ आपसे? उसके अतिरिक्त मेरा 4 फर्स्ट क्लास कैरियर रहा है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में मैंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है, मैंने अपीयरिंग नेट निकाला है, मैंने नेक्स्ट टाइम JRF निकाला है, मैंने 2004 में PhD की है। क्या ये सारी चीज़ें हमारी अयोग्यता को स्थापित करती हैं? आज तक तो कभी किसी ने मेरी योग्यता पर कोई प्रश्न नहीं किया है, और इस बार भी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय स्कैनिंग के माध्यम से हम लोग आए हुए हैं, सारे अभिलेख मूल रूप से मंगा करके चेक किए गए, हम लोगों का लिखित परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुआ, इतने स्क्रीनिंग टेस्ट को पार करके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मुझे प्रथम स्थान दिया, और उसके बाद मुझे डायरेक्टरेट ने आगरा कॉलेज में चयन दिया। तो यह तो प्रश्न उसके निष्ठा पर, उसकी ईमानदारी पर है, मेरे ऊपर नहीं है। हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं उन संस्थाओं के मुकाबले। तो यह तो एक तरीके से हमारी पूरी चयन आयोग प्रणाली, हमारे सरकार, हमारे शासन, हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरी के पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली पर यह प्रश्न उठ रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसका उत्तर क्या दूँ। जिस तरह से आपके खिलाफ जिस सारी चीज़ें हुई और आपको निलंबित भी किया गया, तो क्या लग रहा है कुछ साजिश के तहत किया गया, या वास्तव में आप पे आरोप सिद्ध होते हैं कि आप निलंबन के हकदार हैं? देखिए, अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होते होते तो मैं अब तक स्वयं ही चला गया होता। और साफ साफ मैं बता दूं कि मैं जिस दिन से आया हूं उस दिन से चित्र कुमार गौतम जी प्राचार्य पद पर अपना दावा बारंबार करते रहे हैं। यहां तक कि मुझे आज वो घटना भी याद आती है, जब मैं सबसे पहली स्टाफ काउंसिल की मीटिंग करके बाहर निकला था तो डॉक्टर चित्र कुमार गौतम जी बाहर मुझे मिले और मेरे कंधे पर हाथ रख के उन्होंने कहा, शुक्ला जी आप कैसे हो? मैं डॉक्टर चित्र कुमार गौतम। तो मैंने इनका नाम सुन रखा था, तो मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा हुआ, मुलाकात अच्छी रही और आपसे बैठ के बात होगी। तो इन्होंने कभी भी हमें एक प्राचार्य के रूप में स्वीकार किया ही नहीं। मेरे पास कन्वर्सेशंस रखे हुए हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर इनकी चैटिंग्स रखी हुई हैं। इन्होंने हमेशा मुझे शुक्ला जी कह करके, डॉक्टर शुक्ला कह करके, और अब तो तमाम तरह के अब्यूसिव वर्ड्स कह के पुकारा। इन्होंने कभी इस रूप में हमें देखा ही नहीं। तो ये पहले ही दिन से अपने आप को प्रतिद्वंदी मेरा मानते रहे हैं, और मुझे अयोग्य घोषित करने के लिए इन्होंने बहुत शुरू से ही फर्जी पत्र लिखने शुरू किए, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और दो बार तो मुझसे प्रत्यक्ष अभद्रता कर चुके, गाली गलौज कर चुके।
एक बार फिजिक्स गेट के सामने और एक बार प्रमोशन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में, और दूसरे घटना की तो FIR भी है। और इन्हीं सारी अभद्रताओं की वजह से और इनके द्वारा कार्य महाविद्यालय में सुचारू न किए जाने के कारण इन्हें निलंबित भी किया गया, यद्यपि ऑटो रिवोक हुआ क्योंकि श्रीमती कुलपति महोदया ने उस पर विचार नहीं किया। तो खैर, मैनेजमेंट ने अभी इनको दोषमुक्त नहीं किया है, इनके खिलाफ जांच अभी भी चल रही है। तो ये तो पहले ही दिन से इस साजिश में थे और हमेशा ये कहते रहे कि आगरा कॉलेज की कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगा। क्या कितना उचित मानते हैं आगरा कॉलेज की कुर्सी पर बैठना और इनकी योग्यता को लेकर, क्या लग रहा है कि इनकी योग्यता क्या था फुलफिल होती है कि वो प्राचार्य बन पाए? देखिए, किसी की योग्यता पर प्रश्न उठाना, सवाल करना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन आपको दो तथ्य जरूर बताऊँगा। पहली चीज़ ये कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा इनकी योग्यता प्रमाणित नहीं की गई, और आयोग ने हाई कोर्ट में जो अभिलेख प्रस्तुत किए, प्रमाणित अभिलेख जो प्रस्तुत किए, उसके आधार पर इनका 400 API पूरा नहीं था, जिसके कारण इनका चयन नहीं हो पाया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक योग्यता का सवाल है तो यह प्रश्न उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का है। हमारे महाविद्यालय के प्रमोशन के दौरान IQAC ने भी इनकी योग्यता को पूर्ण नहीं माना था, इसीलिए इनका प्रोफेसर पद पर प्रमोशन नहीं हो पाया था। और वो उसमें भी मेरा कोई हस्तक्षेप या रोल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तीन जो एक्सपर्ट्स थे वो बाहरी थे और सभी ने अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित किया कि यह प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता, निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते। तो जो व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बन सकता है, जिस व्यक्ति को आयोग ने चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, उसकी योग्यता पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे महाविद्यालय में 95 प्रोफेसर्स जो हमारे साथ, जो हमारे हाथों से प्रमोट हुए थे, और वर्तमान में 85 प्रोफेसर्स हमारे महाविद्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें दरकिनार करके एक एसोसिएट प्रोफेसर को चार्ज देना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर शासन की क्या मंशा रही है। और इसके साथ ही वरिष्ठता की सूची में भी यह 16वें नंबर पर आते हैं, तो वरिष्ठता में भी ये कनिष्ठ हैं। इनके ऊपर 15 वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति का चयन न करना, यह भी एक तरीके से समाज के सामने संदेह तो पैदा करता है। तो सर, सीके गौतम जी एक और आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने एज ए मुखिया आगरा कॉलेज में आगरा कॉलेज के परिवार को तोड़ने का काम किया। जो आगरा स्टाफ क्लब है उसको कहीं ना कहीं आपने छिन्नभिन्न करने का काम किया। जब एक संगठन जीत गया उसके बावजूद भी आपने हारे हुए व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया, ये आपके ऊपर एक आरोप है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पूर्णतः मिथ्या आरोप है। शिक्षकों का संगठन, शिक्षकों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बना हुआ स्टाफ क्लब, ये शिक्षकों के द्वारा गवर्न होता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप, कोई रोल नहीं है। हाँ, इन लोगों ने अपने चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ियाँ की, जिसकी शिकायतें मेरे तक भी आई थी, यद्यपि उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। इनसे रुष्ट होकर के एक बड़े शिक्षक समुदाय ने अपना पृथक स्टाफ क्लब बनाना चाहा, जिसके लिए वो उन्होंने हमसे अनुमति चाही और हमने उसमें किसी तरह का आपत्ति न होने की बात कही। कोई भी शिक्षक किसी भी संघ में रहे या न रहे, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, इसमें न प्राचार्य का कोई रोल है और न किसी व्यक्ति का कोई रोल है। अगर वो समूह इनके साथ नहीं रहना चाहता तो ये इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर इनके अंदर क्या कमी है कि इनका शिक्षक इनसे टूट के जा रहा है। इसके लिए प्राचार्य को दोषी करना केवल और केवल मुद्दा बनाना है, इसका वास्तविक धरातल से कोई सरोकार नहीं। जैसे आपका निलंबन हुआ तो कुछ तो बिंदु रहे होंगे, कुछ तो कमी रही होगी, आपका निलंबन हो गया तो ऐसे क्या बिंदु थे और आप उन्हें कैसे फाइट करेंगे? आपको लग रहा है कि आपका निलंबन गलत हुआ है? तो देखिए, हमने पहले ही दिन से इस निलंबन का विरोध किया है और इसीलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण भी ली है। निलंबन के लिए जो बिंदु बनाए गए उनमें से कोई भी बिंदु निलंबन के लिए प्रभावी बिंदु नहीं है, इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने पहली ही सुनवाई में इस निलंबन को के प्रभाव को, इसके इफेक्ट्स को, ऑपरेशन को स्टे किया है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अंतिम जांच समिति
या अंतिम जांच रिपोर्ट माननीय आयुक्त महोदया के द्वारा प्रेषित की गई दिसंबर 2023 में। उस जांच रिपोर्ट के प्रत्येक बिंदु में, अभिमत में, मंतव्य में मुझे दोषहीन बताया गया है और प्रथम दृष्टया किसी भी जांच, किसी भी शिकायत की पुष्टि नहीं पाई गई। उसके बावजूद भी शासन ने पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के और कुछ नए बिंदु बना करके, ऐसे बिंदु जिन पर न मेरा स्पष्टीकरण लिया गया न आयुक्त महोदया का स्पष्टीकरण लिया गया, उन बिंदुओं को बना करके हमें निलंबित किया गया है। तो यह एक सोची समझी साजिश है। एक रणनीति के तहत आगरा कॉलेज के प्राचार्य के पद को खाली कराने के लिए किया गया है ताकि सी के गौतम जी को प्राचार्य बनाया जा सके। इसके होने के बावजूद भी आपको वहाँ कार्यभार नहीं संभालने दिया जा रहा है, कितना न्याय संगत या अन्याय संगत मानते हैं? यह तो समाज के हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति किसी आदेश का अगर ऑपरेशन इफेक्ट स्टे कर दिया गया हो, उसके बावजूद भी जिस आदेश में साफ साफ लिखा हो कि मुझे प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहना है और मुझे वेतन भी प्राप्त करना है, आज 20 दिन हो गए हैं और मैंने दसियों पत्राचार आयुक्त महोदया और प्रमुख सचिव महोदय से किया है, उसके बावजूद भी मुझे ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, तो ज़रूर यह किसी उनसे ऊपर के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया दबाव है। और मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मुझे भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है, मुझे उसकी न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ न्याय अवश्य होगा। हाँ, देर है, अंधेर नहीं हो सकती। तो ये थे पूर्व प्राचार्य अनुराग शुक्ल जी। संविधान पर पूरा विश्वास है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है, तो न्याय इन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन ये लग रहा है कि इनके प्राचार्य पद को छीनने में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर के लोग शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि ये प्राचार्य पद पर रहें। लेकिन ये जो इनके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है या इनके खिलाफ जो शिकायत रची जा रही है, इनका कहना है कि वो सारे निराधार हैं, एक ना दिन हमें न्याय मिलेगा। आज मुझे 20 दिन हो गए हैं, इनका कहना है कि 20 दिन आज निलंबन हो गए, लेकिन कार्यभार नहीं संभालने दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। इस पर न्याय होगा और इन्हें जिस तरह से कहा कि कानून में पूरा भरोसा है, तो हम देखना चाहेंगे कि आखिर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। क्या वास्तव में संविधान से चलने वाला देश अनुराग शुक्ला जी को पुनः आगरा कॉलेज का प्राचार्य बनाएगा, या फिर सत्ता में बैठे लोग या इनसे ऊपर बैठे लोग इन पर दबाव बनाकर इनका शोषण करेंगे या फिर इन्हें पद से ही खारिज कर देंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।